मंगला चरण करेंगे। नमो अरहंताड़म्मा, नमो सिद्धाड़म्मा, आयरी ताड़म्मा, नमो उवज्जायाड़म्मा, नमो लोए सवसा। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल्यमंगल्यम, सर्व कल्याणकारकम्, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, मोक्षमार्गस्य पितारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, घर पर तो बराबर आ रही है, क्लियर आ रही है। ओके। वो पीछे एक्चुअली यहाँ पर बारिश हो रही है, तो शायद उसकी आवाज आ रही हो। नहीं आती है बारिश। आई थिंक इट्स क्लियर। ठीक है, ठीक इट्स है, ठीक क्लियर। है, ओके। हम सभी उत्तम दश धर्म जो आत्मा के हैं, उन सभी पर्वों में आज उत्तम सत्य धर्म 5th डे है, और उत्तम सत्य धर्म को यहाँ पर आज के दिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सत्य क्या होता है, उसके लिए आचार्य सिद्धसेन दिवाकर सन्मति सूत्र, सन्मति तर्क नाम का एक ग्रंथ है, उस पर अनेकांत भक्ति करते हैं। देखिए, सत्य मतलब क्या? जीन विना लोगस्सवी व्यवहारो सव्वाणि पडई, तस्स भुवनिक गुरुणो नमो अड़िगंतवायस। जिसके बिना लोक का व्यवहार भी सर्वथा निष्पन्न नहीं होता, उस तीन लोक के अद्वितीय गुरु अनेकांत को नमस्कार है। सत्य जो होता है वो अनेकांतात्मक होता है। जो एकांत होता है वो सर्वत्र असत्य होता है। सो जिनेंद्र देव की वाणी वो अनेकांतात्मक है, जो कि जिनागम में स्यादवाद शैली में लिखी गई है। तो यहाँ पर एकांत कुछ भी नहीं मान्य होता। जो कुछ भी कहा जाएगा वो अनेकांत वस्तु को दृष्टि में रखकर ही कहा जाएगा। वही सत्य धर्म की शोभा है, वही सत्यता का प्रामाणिकपना है। क्यों ऐसा है? क्योंकि तीर्थंकर देव के केवल ज्ञान होता है, और केवल ज्ञान समस्त वस्तु को उसके अनंत गुणों के साथ जानता है, और अनंत गुणों के साथ जानने पर उस वस्तु को एक साथ एक समय में कहने की शक्ति नहीं रहती। इसलिए शब्दों में जो कुछ भी कहा जाएगा वो स्यात पद से सूचित होगा, और यदि स्यात पद के बिना कहा जाएगा तो फिर झूठ हो जाएगा। जैसे यदि हम ये वाली बात को लें कि आत्मा करता है या अकर्ता है, क्या सही होगा? आत्मा करता है या अकर्ता? कि आत्मा परद्रव्य का अकर्ता है और स्वद्रव्य का कर्ता है, ऐसी दो बात एक साथ होंगी तो सत्य बनेगा। यदि हम अकेला बोल देंगे आत्मा अकर्ता है तो भी झूठ हो जाएगा। यदि आत्मा को अकेला कर्ता कहा जाएगा तो भी बात सही नहीं बनेगी। हम सभी अपने जीवन में ये वाली दृष्टि को अपनाएं। जब भी किसी वस्तु का हम अन्वेषण करें, जब भी हम किसी वस्तु का अभ्यास करें, हम इस सावधानी को रखें कि हम उसमें एकांत को ग्रहण ना कर लें। हमारे पास हमेशा एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव होना चाहिए। हम वस्तु के सारे पक्षों को, उसके सारे फैसेट्स को, उसकी सारी पॉसिबिलिटीज को रिकॉग्नाइज और कंसीडर कर पाए,
तब हमारे जीवन में उत्तम सत्य धर्म आता है। और सत ये होता है आत्मा, तो सत नाम आत्मा, उसकी दृष्टि से जो ज्ञान प्रकट होता है, जो प्रामाणिकता ज्ञान में आती है, जो सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, वो सम्यक ज्ञान सत्य धर्म होता है, ऐसा हमारे ज्ञानियों ने हमें सिखाया है। तो हम सभी को यदि सत्यवादी बनना है तो उसके लिए सत स्वरूप आत्मा, सत स्वभावी आत्मा, उसकी दृष्टि करनी पड़ेगी। हम इसी बीच डिस्कशन कर रहे हैं अपने जीवन को हम कैसे निर्मल बनाएं, कैसे सुंदर बनाएं, और उस पर भावनात्मक दृष्टि से जब देखा जाए तो 16 कारण भावनाएं बहुत गुणकारी होती हैं। हम सभी श्री तत्वार सूत्र ग्रंथ की सर्वार्थ सिद्धि टीका के आधार पर कुछ 16 कारण भावनाओं की भावना भा रहे हैं। एक बार मूल सूत्र पढ़ते हैं। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनति चारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्तितस्त्याग तपसी साधु समाधि वैयावृत्तिकरण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहानी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील और व्रतों का निरतिचार पालन अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेग शक्ति के अनुसार त्याग शक्ति के अनुसार तप साधु समाधि वैयावृत्तिकरण अरिहंत भक्ति आचार्य भक्ति बहुश्रुत भक्ति प्रवचन भक्ति आवश्यक क्रियाओं को न छोड़ना मोक्ष मार्ग की प्रभावना और प्रवचन के प्रति वात्सल्य, ये तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रम है। ये 16 प्रकार की भावनाएं सम्यक दृष्टि जीव भाया करते हैं। इस पर दर्शन विशुद्धि भावना जो सम्यक दर्शन को और अत्यंत विशुद्ध करती है। देखिए जो दृष्टि होगी वो तो हमेशा एक सी ही होगी, सम्यक दर्शन के ऐसे प्रकार नहीं होते कि चौथे गुण स्थान में अलग प्रकार का सम्यक दर्शन होता होगा, पांचवें गुण स्थान में अलग प्रकार का, और सिद्ध भगवानों को अलग प्रकार का सम्यक दर्शन, ऐसा नहीं होता। सम्यक दर्शन तो जैसा सिद्ध भगवान को है वैसा ही चौथे गुण स्थान में प्रकट होता है। तो अपने को आत्मा रूप देखना और पर रूप ना देखना, इसको सम्यक दर्शन कहते हैं। लेकिन उस सम्यक दर्शन के द्वारा भी जीवन में जो हम पवित्र भावनाओं को भाते हैं, हमारे जीवन से भय चला जाता है, पर द्रव्य की आकांक्षा चली जाती है, हम इस शरीर से अपने को अपवित्र नहीं देखते अपितु अपने स्वभाव से अपने को पवित्र देखते हैं, हम ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग कर देते हैं, हम अपने उत्तम उत्तम गुणों को और बढ़ाते हैं और दूसरों के दोषों को भी ढक देते हैं, हम सबको धर्म में स्थितिकरण करते हैं, हम सबसे वात्सल्य से मिलते हैं और इस धर्म की बहुत प्रभावना करते हैं, ये भी सम्यक दर्शन को हमारे पवित्र बनाने में कहा जाता है। सो दर्शन विशुद्धि यानी कि सम्यक दर्शन और विशेष नहीं हुआ, उस सम्यक दर्शन के उत्पन्न होने पर हमने अपने जीवन में और पवित्र भावनाओं को अंगीकार किया, वो दर्शन विशुद्धि है। जो इसे धारण करता है उसका आवागमन नहीं होता। और उसके बाद हमने विनय संपन्नता दी, मोक्ष के साधन सम्यक ज्ञान आदि तथा उनके साधक गुरु शास्त्र आदि में योग्य प्रवृत्ति करके आदर सत्कार करना अथवा कषाय की निवृत्ति, यह विनय संपन्नता है। कितना सुंदर ये स्वरूप इसका है। भगवान महावीर के 5 नाम हम जानते हैं ना, कौन कौन से, एक वर्धमान, एक वीर, अतिवीर, सन्मति और महावीर। ये भगवान महावीर के 5 नाम प्रसिद्ध है और हर एक नाम के पीछे कहानी भी है। तो एक जो उनका नाम है ना वो सन्मति, उसका बहुत सुंदर विनय के संबंध में वर्णन मिलता है। 2 चारण मुनि, संजयंत और विजयंत नाम के 2 चारण रिद्धिधारी मुनि, यानी कि आकाश मार्ग में गमन करने वाले रिद्धिधारी भावलिंगी मुनिराज, वो आपस में चर्चा करते थे
तो उनको एक शंका उत्पन्न हुई तत्व के बारे में, ठीक है, किनको, रिद्धिधारी मुनिराजों को, जिनका जीवन ही तीन कषायों के अभाव के द्वारा बहुत समृद्ध है, बहुत सुंदर है। ऐसे चारण मुनियों को चर्चा करते थे तो उनको भी प्रश्न उत्पन्न हुआ। देखिए मतलब मुनिराजों के भी जिनागम कितना विस्तृत है, जिनागम कितना विशाल है कि बताइए, इतनी निर्मल परिणति के धारक आत्मा को जानने वाले मुनिराजों को भी शंका प्रश्न उत्पन्न होते हैं, और हम तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं छह द्रव्य सात तत्व, हमें कोई शंका ही उत्पन्न नहीं होती। मतलब ये हमारा मान है, ये हमारा घमंड है, ये हमारी विनय नहीं है कि हम थोड़ा सा पढ़ के अपने आप को बहुत ज्ञाता मानने लगते हैं, ये विनय का नष्ट हो जाना कहलाता है। तो अब क्या हुआ कि मुनिराज को प्रश्न हुआ, अब वे स्वयं तो रिद्धिधारी हैं, तो अब स्वाभाविक है कि बड़ा मुश्किल होगा, वे स्वयं इतने बड़े मुनिराज हैं, अब उनकी शंका का कौन निवारण करेगा। तो उन्होंने ये विचार किया कि इसका उत्तर वर्धमान स्वामी से ही हो सकता है। कौन दे सकते हैं इसका उत्तर? वर्धमान स्वामी। लेकिन गड़बड़ी बस एक थी कि वर्धमान स्वामी अभी ना तो अरिहंत बने हैं ना ही मुनिराज बने हैं, वो तो अभी एक बालक हैं, अभी तो उनका जन्म हुआ और अब थोड़े वे बड़े हुए हैं और खेलते हैं अपने साथियों के साथ। देवगति से देव आते हैं, वो अपना मनुष्य रूप बना लेते हैं और वो बालक वर्धमान के साथ खेलते हैं। तो अब बड़ी विडंबना है। अब आप समझना विनय क्या होती है, क्या? तो दो चारण मुनि के जो प्रश्न हुआ तो उन्होंने मन में विचार किया कि इसका उत्तर कौन दे सकता है कि वर्धमान स्वामी जो जन्म से ही तीन ज्ञान के धनी है, जो क्षायिक संकिति है, जो इस लोक के तारणहार हैं, जो तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर जीव की महिमा अचिंत्य है। परंतु अब एक विडंबना है कि हम तो सकल संयमी, हम तो सारे व्रतों को धारण करके वीतराग निर्ग्रंथ दशा को प्राप्त हुए हैं, और वे असंयमी, अरे वो तो अभी बालक है ना, युवराज है ना, उनके जीवन में तो अभी व्रत आए नहीं, उन्होंने तो मुनि दीक्षा नहीं ली, उन्होंने तो तीन कषायों का भी अभाव नहीं किया। तो अब यदि हम उनके पास जाएंगे तो हम उनका विनय कैसे करेंगे, क्योंकि लोक में तो ये क्रम है कि शील पूजनीय होता है। तो मुनिराज किसी युवराज को कैसे नमस्कार करेंगे, लोक का क्रम भंग होगा ना, ये वाली बात तो उल्टी हो जाएगी। पूज्य पद तो पांच हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, और हमारी शंका को जो निवारण करेगा वो तो हमारे गुरु होंगे। सो शंका का जो निवारण कर सकते हैं वो वर्धमान स्वामी, और हम यदि उनके पास शंका लेकर जाएंगे तो शंका के समाधान के लिए तो विनय करनी पड़ेगी ना, पूछना पड़ेगा ना, गुरु बड़ा हो जाएगा ना, हम छोटे हो जाएंगे, लेकिन हम सकल संयमी हैं और वे आवृत्ति असंयमी हैं अभी, तो भैया हम उनका विनय कैसे करेंगे। अच्छा और दूसरी बात सुनो कि हम उन तीर्थंकर भगवान के सामने जाएंगे तो हमारे तो साधु परमेष्ठी का पद है, हमारे तो परमेष्ठी पना है, और वे तीर्थंकर हमें देखेंगे तो उन्हें हमारे सामने झुकना पड़ेगा, पर वे तो तीर्थंकर पद के धारक सर्वोत्कृष्ट पदार्थ, सो वे हमको विनय कैसे करेंगे, वो हमारी विनय कैसे करेंगे। बड़ी विडंबना हो गई, हम क्योंकि इस पद पर हैं तो हम उनके सामने कैसे झुकेंगे, नहीं तो लोक क्रम का भंग होगा, और वे तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर को किसी के सामने झुकना पड़े तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तो ये तो बड़ा धर्म संकट हो गया, शंका उत्पन्न हुई है, प्रश्न है,
प्रश्न का निवारण कोई कर पाए तो वो तीर्थंकर वर्धमान, लेकिन तीर्थंकर वर्धमान के सामने जाए तो दो बात, हम उनके सामने नहीं झुक सकते, लेकिन फिर भैया हम विनयशील कैसे रहेंगे, हम तीर्थंकर के सामने अपनी शंका लेकर जाते हैं, वे हमारी शंका का निवारण करेंगे, तो लोक में विनय चाहिए ना, वे तो गुरु हुए, लेकिन हम तेरे सकल संयमी, हम उनके सामने कैसे झुकेंगे, और वे तीर्थंकर, हम मुनिराज हैं और वे अभी गृहस्थ हैं, उन्हें हमारे सामने झुकना पड़ेगा, तो अरे हमारे कारण उन्हें हमारे सामने झुकना पड़े। तो आप देखिए किसी भी तीर्थंकर के सामने छद्मस्थ अवस्था में कोई मुनिराज नहीं आता, तीर्थंकरों के सामने मुनिराज आते ही नहीं, ये मुनिराजों की तीर्थंकर की विनय है। तो क्या करें कि भैया शंका का समाधान तो करना है, तो हम तीर्थंकर को देखेंगे तो जरूर, लेकिन दूर से देख लेंगे, चारण रिद्धि दाढ़ी है ना, तो भैया तो भी हम एक बार देखेंगे तो जरूर, ऐसा विचार कर वे चारण रिद्धिधारी मुनिराज तीर्थंकर वर्धमान के सन्मुख चले, उनकी तरफ उस दिशा में गए, और जब दूर से ही तीर्थंकर को देखा तब ही प्रश्न का उत्तर उनके अतिशय से स्वयमेव दूर हो गया, स्वयमेव मिल गया। इसलिए उन मुनिराजों ने उन तीर्थंकर वर्धमान का नाम सन्मति रखा। अब आप बताइए, आप विचार करिए कि उनको ना तो तीर्थंकर से प्रश्न पूछना पड़ा और ना ही तीर्थंकर ने उन्हें उस प्रश्न का समाधान दिया, तो फिर ये उत्तर मिला कैसे, ये समाधान हुआ कैसे, कि आप बोलेंगे कि तीर्थंकर का चमत्कार है, लेकिन नहीं, ये तीर्थंकर के प्रति की विनय, ये विनय की संपन्नता, ये अपने आप ज्ञान को बढ़ाती है, ये अपने आप ज्ञान में निर्मलता लाती है। कितनी सुंदर ये घटना है, कितनी लोकोत्तर, अरे जिस विनय को मुनिराज भी ऐसे उत्कृष्ट रीति से धारण करते हैं, वो विनय तो हमारे जीवन में आनी चाहिए। तो विनय के लिए क्या करना पड़े, सामने वाले के प्रति झुकना पड़े, बार बार सबके पैर पड़ना पड़े, ये विनय है। पहली विनय है अपने स्वरूप की तरफ झुककर अपने को कषाय से निवृत्त कर लेना। हमारी इस छद्म परिणति में अभी भी अनंतानुबंधी कषाय है, अभी भी हम शरीर को आत्मा मानते हैं, ये तो बहुत बड़ी शुद्धात्म भगवान की, निज शुद्धात्म परमात्म देव की अभिनय है। ये वाली विनय तत्काल धारण करने वाली है कि हम अनंतानुबंधी रूप महाकषाय को, मिथ्यात्व रूप महाकलंक को अभी धो लेवें। इस विनय से संपन्न होंगे तो हम मोक्ष मार्ग में प्रविष्ट होंगे, मोक्ष मार्ग में प्रविष्ट होंगे तो मोक्ष के साधन सम्यक ज्ञान और उसके साधक देव गुरु शास्त्र आदि में योग्य प्रवृत्ति आदर सत्कार होगा। हम सभी मंदिर आते हैं तो मंदिर हम स्वच्छ धवल वस्त्र पहनकर आते हैं, हम काले बहुत गहरे रंग के वस्त्र नहीं पहनकर आते। हम मंदिर में घुसते हैं तो उसके पहले अपने हाथ और पैर साफ कर लेते हैं, फिर हम नेह सही ये बोलकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये क्या है, ये विनय है। जैसे कि आप बैठे हैं और आपके सामने मैं बैठूं और मैं अपना फोन देखता रहूं, आपसे बात नहीं करूं, तो आपको बुरा लगेगा ना, अभिनय होगी ना कि कोई सामने सामने प्रत्यक्ष खड़ा है, हम उससे तो कुछ नहीं पूछते, किसी परोक्ष से बात करते हैं। ऐसे ही जिन मंदिर आए और हम घर का विचार करें, व्यापार की चिंता करें या एक दूसरे से बात करने लगे और जिनदेव को देखें नहीं, जिनदेव की विनय नहीं करें, उनके गुणों का उच्चारण नहीं करें, मंदिर में बैठकर हम घर की एक दूसरे की कुशलता की बात करने लगे, ये बहुत बड़ी अभिनय है। मंदिर में जगत की बातें नहीं की जाती, मंदिर में बहुत निर्मल परिणामों के द्वारा
निस्सही सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध, विकल्पों का निषेध, ये बोलकर प्रवेश किया जाता है। फिर ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरहंताडम नमो सिद्धाडम नमो आयरियाडम नमो वज्जायाडम नमो लोए सब साहूडम, ऐसे बार बार नमो नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार हो, ऐसे अपने को और झुकाया जाता है। ये विनय बड़ा बनाती है। जो गुणों से लदे हुए होते हैं, फलों से लदे हुए होते हैं, वो ही पेड़ झुके हुए होते हैं। जिसके हृदय में बहुत विनय है वो ही धर्मात्मा है, वो ही बड़ा है, उसके ही बड़े बड़े धर्म बड़े बड़े गुण प्रकट होते हैं। जिन वाणी का अभ्यास भी करें तो बहुत विनय से, झूठे मुंह हम जिन वाणी नहीं छूते, हाथ भी हमारे खराब नहीं हो, हम सिर पर भी हाथ लगाएं, बालों को भी छुएं, फिर उन्हीं हाथों से जिनवाणी छुएं, ऐसा नहीं करते हम। ये तो तीर्थंकर देव की वाणी, वो तो भाग्य हमारा इतना महा है कि हमारे हाथ में आ गई। इसकी भी बहुत विनय संपन्नता, हम इसे असमय में नहीं पढ़ते। सॉरी, आपको पता जब किसी घर में मृत्यु हो जाती है उसमें फिर जिनवाणी नहीं पढ़ी जाती कुछ दिनों तक। जिनवाणी तो क्या नहीं पढ़ी जाती, उस घर में भोजन भी नहीं बनाया जाता। ये सारा परिणामों का विज्ञान है। हमारे जब परिणाम संक्लिष्ट हो, हम भोजन बनाएंगे तो वो भोजन अहितकारी हो जाएगा। हम यदि इसलिए भोजन प्रसन्नता से बनाया जाता है, अकेली स्वादिष्ट भोजन बना लेने से काम नहीं होता। इसलिए हम लोग बहुत ये ख्याल रखते हैं कि हम जिस भोजन को कर रहे हैं उस भोजन को किसने बनाया है, क्या उसके जीवन में भी ये सुंदर गुण आ गए हैं, क्या उसने भी अपने जीवन में अहिंसा का चयन किया है, हिंसा के ऊपर वो कहीं सप्त व्यसनों में तो नहीं लगा, क्यों इतनी हमने ख्याल क्यों रखा है इस बात का। क्योंकि परिणामों की विशुद्धि से बाहर के पुद्गल द्रव्य के साथ भी निमित्त नैमित्तिक संबंध की घनिष्ठता बनती है। इसलिए माता जब बच्चे को खिलाती है तो उसमें प्रेम बहुत है तो बच्चा हुष्ट पुष्ट होता है। और दुत्कार कर यदि माता खिलाए ना, प्रेम से ना खिलाए, कोई विमाता हो और वो खिलाए, बच्चे को रस नहीं चढ़ता। आपको आपको ये वाली बात थोड़ा विचार करना। ये सब चरणानियोग के शास्त्रों में वर्णित है। ये कैसी विनय है कि परिणामों की विशुद्धि होनी चाहिए। अकेली शरीर से औपचारिकता फॉर्मेलिटी होनी चाहिए कि हम आपसे मिले और हमने जय जिनेन्द्र बोल लिया और आपने जय जिनेन्द्र बोल दिया, ये विनय नहीं होती। एक दूसरे को देखकर प्रसन्नता होना, हमारे अंदर बहुत वात्सल्य आना चाहिए। देखो जब विनय संपन्नता की बात रत्नकरण श्रावका जी ग्रंथ पर करी आचार्य समंत भद्रदेव ने, उन्होंने क्या बोला, जो छोटे छोटे जीव हैं, एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय पंच इंद्रिय, उनके प्रति यत्नाचार से प्रवृत्ति करना, ये उनकी विनय है। सो ये विनय तो महा मुनिराज भी करते हैं। मुनिराज के हाथ में पिछी होती है ना, आपने देखी पिछी मुनिराज के हाथ पर होती है, जो वो पिछी क्यों होती है कि अरे वो छह काय के जीवों की विनय के लिए है। हमारे द्वारा किसी दूसरे जीव का विरोध ना हो जावे, सबका सत्कार होता रहे, तो बैठते हैं तो दूसरे जीवों को आदर सहित अलग कर देते हैं। अरे वे भी तो भगवान है ना, आज नहीं तो कल बनेंगे, उनका भी तो भगवत्ता से बना सुंदर स्वभाव है ना। तो इस प्रकार जीवन के हर एक कार्य में, जीवन के छोटे से छोटा परिणाम हो, हम चलें तो भी कषायों से निवृत्त होकर चलें, तो वह विनयशीलता से चलना होगा। हम मिलें तो सबसे वात्सल्य से प्रेम से मिलें, तो वो विनयशीलता होगी। हम जब कोई कार्य करें तो ध्यान से, किसी जीव का विरोध तो नहीं होता, किसी जीव का घात तो नहीं होता, तो वह सामान्य जीव मात्र की विनय होगी। हम वीतरागी देव को देखें तो झुक जाएं, उनके चरणों में लोट जाएं, क्योंकि उनके बिना इस जीवन में है क्या जो आधारभूत है, वे ही शरणभूत हैं, उनसे बड़ा कुछ और है नहीं।
हम जिनवाणी पढ़ने बैठे तू जैसे सौधर्म इंद्र चातक बना, समव शरण में तीर्थंकर देव को निहारता है बच्चा बना एकदम, और इस जिनवाणी माँ का श्रवण करता है ऐसा एकदम छोटा बनकर। भूल जाए तू क्या है, भूल जाए हमारे पास क्या है, अरे हम तो दरिद्र हैं, हमें साक्षात तो जिनेंद्र देव के वचन सुनने नहीं मिलते, हम तो बहुत गरीब हैं, मुनिराजों के मुख से भी हमें ये वचन सुनने नहीं मिलते। जो ये शास्त्र के वचन है सो हमारे हाथ जैसे भी आए, ये तो महानिधि है, इस निधि के प्रति बहुत झुक जाना, बहुत नम जाना, ये विनय संपन्नता है। तो दो भेद होंगे इसके, अंतरंग विशुद्धि होगी तब बाहर से यदि हमारी परिणति ये शारीरिक क्रियाएं वैसी हो तब विनय कहलाएगा। सो कषाय की निवृत्ति पूर्वक जो दूसरों के प्रति वात्सल्य, दूसरों के प्रति भक्ति, पंच परमेष्ठी के प्रति भक्ति और छह काय के जीवों के प्रति दया करुणा भाव होता है, ये विनय की संपन्नता है। ये हमारे जीवन में आना चाहिए, ये बहुत आना चाहिए। हमें ऐसा लगता है छोटों को बड़ों की विनय करनी चाहिए, है ना, लेकिन भैया बड़ों को भी छोटों को प्रेम करना, ये बड़ों के द्वारा छोटों की विनय कहलाती है। क्या क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, अरे छोटे बच्चों पर तो उत्पात मस्ती करना ही शोभा देता है, और बड़ों करनों बड़े लोगों को क्षमाशीलता, बड़े लोग माफ करते रह जाएं, बच्चे लोग गलतियां करते जाएं, वो गलतियां करेंगे, बड़े लोग परिमार्जन कर कर उनको क्षमा करेंगे, बच्चे बड़े होते जाएंगे सब सीखते जाएंगे। तो हमको भी, हमें लगता ना कि बच्चे लोग क्यों नहीं मंदिर से जुड़ते, बच्चे लोग क्यों नहीं स्वाध्याय से जुड़ते, कि अरे हम उनको इस धर्म की जिम्मेदारी कितनी देते हैं, हम उनको कितना इन्वॉल्व करते हैं, हम बच्चों को कितना बोलते हैं कि चलो अब तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें ये वाली बात संभालनी है, मंदिर इतनी सारी जिनवाणी मंदिर में रखी है, आपको इनका ब्यूटिफिकेशन करना है, आपको इनको सजाना है। हम बच्चों को भी थोड़ा यदि इस मार्ग में ऐसे लगाएंगे, छोटी छोटी टास्क, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर उनको भी बड़ा बनाएंगे, तो हम देखेंगे कि ये बहुत स्लोली और स्मूथली ट्रांजिशन हो जाएगा, ये धर्म की प्रवृत्ति आराम से आगे बढ़ जाएगी। अब हम उनको सीधा डांटते रहे, तुम लोग मंदिर में नहीं आते, पूजन नहीं करते हो, पढ़ते नहीं हो, स्वाध्याय नहीं करते हो, वो नहीं सीखेंगे। हम छोटे छोटा साइकोलॉजिकली हम उनको थोड़े थोड़ी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें तो वे अपने आप इस चीज पर आने लगेंगे। पहले उस वस्तु से जुड़ना पड़ेगा ना कि ये मेरे काम है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहां पर अपने आप फिर लोग जुड़ने लगते हैं। तो इस प्रकार विनय बहुत प्रकार की होती है, और इस विनय से संपन्न जीव तीर्थंकर बन जाता है, तो हमारे जीवन में ये विनय आनी ही चाहिए। आगे अगली भावना है शील व्रतेश वनती चार भावना, बहुत सुंदर भावना है। शील जिसको इंग्लिश में शील्ड कहते हैं, शील्ड जानते हैं आप, शील्ड, शील्ड क्या होती है, जिससे अपने को बचा लिया जाए। बहुत सारे प्रकार की शील्ड होती है, सनस्क्रीन्स होते हैं, एक छाता होता है वो बारिश से बचा लेता है अम्ब्रेला, एक सनस्क्रीन होता है जो धूप से हमको बचा लेता है, एक हमारी सीलिंग होती है जो हमको बहुत सारी चीजों से बचा लेती है। कि शील्ड कुछ भी ऐसे आड़े आ जाना जो हमारे प्रोटेक्टिव शील्ड बना दे, जो हमको बचा ले। ऐसे ही जैनाचार्यों ने शील्ड बताई जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे उन्होंने नाम दिया शील। क्या नाम दिया? शील। शील क्या है? ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ये हमारे लिए बचाने के लिए एक शील्ड है। तो शील व्रतों का, शील का और व्रतों का निरतिचार अनतिचार पालन करना। देखो भावना कैसे भाई जा रही है कि हम अपने जीवन को जितना हो सके उतना पवित्र बना लें, ये भावना है। देखिए इसका एक बार स्वरूप अपन पढ़ते हैं। अहिंसादि व्रत तथा उनके रक्षक क्रोध को रोकना आदि। शील
जिन्हें उत्तर गुण भी कहते हैं उनमें यथा पदवी मन वचन काय से दोष ना लगाना वह शील व्रतेष्वनति चार है। कितने सारे शब्द हो गए? शील व्रतेषु अनतिचार, शील व्रतों में अतिचार नहीं लगाना, तो वो संधि कर देंगे ना हम तो ऐसा बन जाएगा शील व्रतेष्वनतिचार। क्या है? शील व्रतों में अतिचार नहीं लगाना, ये तो स्वरूप है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? पहले तो नाम थोड़ा कठिन पड़ता है ना, शील व्रतेष्वनतिचार, शील व्रतेषु अनतिचार, शील व्रतों में अतिचार नहीं लगाना, इसको क्या बोलते हैं? शील व्रतेष्वनतिचार भावना। पहले हम समझें कि क्या मतलब है शील का, क्या अर्थ है शील का, शील होता क्या है। बराबर, तो एक जिनागम में बताए गए व्रत जो कि हमें कषायों की निवृत्ति पूर्वक ग्रहण करने होते हैं, और फिर उन व्रतों को भी बचाने के लिए, उन व्रतों में भी वृद्धि के लिए, तो व्रतों को बोला मूल गुण और उनको बचाने की बहुत सारी भावनाएं बताई, वो कहलाई उत्तर गुण। वो क्या कहलाई? उत्तर गुण। कि व्रत और व्रत को सपोर्ट करने वाले जो भी और प्रकार के व्रत हम लेंगे उनको बोलेंगे उत्तर गुण। तो अहिंसा आदि तो व्रत हो गए कि हम हिंसा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, कुशील परिग्रह ये सब नहीं करेंगे। तो हमने इनका एक देश त्याग किया तो देश व्रत बन गए, पांचवा गुण स्थान, और हमने इनका पूरा त्याग कर दिया तो महाव्रत बन जाते हैं। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत, ये सब महाव्रत बन गए। अब इनको भी तो बचाना पड़ेगा ना, तो अब मुनिराज क्या करेंगे? उत्तर गुणों को पालेंगे। जैसे कि मूल तो हो गए अणुव्रत, फिर उसके सामने उत्तर गुण हो गए गुणव्रत और देशव्रत, ये सब शील हो गए, ये उसको बचाने के लिए हो गए। कि मुनिराज ने अहिंसा अणुव्रत लिया है तो अब वे क्या समितियों का पालन करेंगे, तो चार हाथ की भूमि को देखकर चलेंगे। इससे क्या होगी कि उनसे जीव की हिंसा नहीं होगी और अहिंसा अणुव्रत, अहिंसा महाव्रत उनका प्रोटेक्टेड रहेगा, उनका सेफ रहेगा, राइट। सो अहिंसादि व्रत तथा उनके रक्षक क्रोध को रोकना आदि शील। तो व्रत जो मूल में पापों का निवर्तन है वो, और जो व्रतों को बचाते हैं, व्रतों को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के उत्तर गुण, वो शील। ऐसा शील और व्रतों का यथा पदवी निरति चार, उनमें मन से वचन से काया से दोष नहीं लगाना, ये शील व्रतेष्वनति चार नाम की भावना कहलाती है। जैसे आज अष्टमी थी ना, आपके आज अष्टमी थी क्या? हम लोगों के यहाँ कल थी। हाँ, हमारे अष्टमी थी आज। तो कई लोगों ने शायद प्रयास किया हो कि उपवास करें, एक आसन करें, या फिर एक बार भोजन लें और एक बार थोड़ा सा कुछ सामान्य सा हल्का फुल्का ले लें। हम लोग ऐसी भावना बातें ना कि 10 दिनों में हम कुछ तो छोड़ें, राइट। तो यदि किसी ने उपवास किया, लेट्स से उसने बोला कि हम भोजन आज नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं, बस थोड़ा सा या तो जल ले लेंगे या फिर जल भी नहीं लेंगे, ऐसे लोग नियम ले लेते हैं ना। हाँ, तो ठीक है, ये क्या लिया हमने? एक व्रत लिया। अब हम इसको बहुत मोटे रूप में समझ रहे हैं। व्रत तो अहिंसा का एक देश या सर्वदेश, हिंसा का एक देश या सर्वदेश त्याग, वो व्रत कहलाता है। पांच पाप हैं, उनसे एक देश निवृत्ति, ये देश व्रत, ये अणुव्रत कहलाते हैं, और उनकी पूरी निवृत्ति ये महाव्रत कहलाते हैं। एक श्रावक को होता है और एक मुनिराज को होता है। और ये हम जो नियम ले लेते हैं छोटे छोटे, व्रत नहीं है कोई, क्या भैया? ये तो हम अभ्यास कर रहे हैं। हम भी तो चाहे, हम भी तो देखें मुनिराज कैसे एक दिन में एक बार आहार लेते हैं, वो भी इतनी कठोर प्रतिज्ञा से कि महीने में 4-5 बार तो उनकी विधि ही ना बने, और तब भी वो इतनी समता से रहते हैं। तो हम एक जस्ट टू गेट दी टेस्ट कि भैया वो लोग कैसे रहते हैं, उनको देह के प्रति ममत्व कैसे छूटा है और समत्व कैसे जागा है,
हम उसके लिए थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। तो लेट से किसी ने वो व्रत लिया, राइट, ठीक है, तो आज हम भोजन तो नहीं करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे कि अरे क्या करेंगे, आज तो हम बहुत फ्री हो गए, हमारी देखो वैसे हमारे पास काम करने को कम रहता है क्या, इतने टाइम से टू डू लिस्ट के इतने सारी चीजें अनचेक्ड हैं, अब हम बाकी के सारे काम निपटाने लगेंगे, हम बहुत सारे कामों को जो बैकलॉग में पड़े हैं उनको जल्दी से फिर प्रोसेस करने लगते हैं। तो व्रत के दिन स्वामी कार्तिकेय हुए ना, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ जिन्होंने लिखा, उन्होंने एक बहुत बड़ी मार्मिक गाथा ली, उन्होंने बोला प्रोषद उपवास आदि लोग करते हैं ना, एक दिन एक बार खाएंगे, फिर अगले दिन नहीं खाएंगे, फिर उसके अगले दिन एक बार खाएंगे, ऐसे अलग अलग प्रकार से सब व्रत नियम संयम को पालते हैं। तो उन्होंने बोला कि यदि तुमने भोजन का त्याग कर दिया, एक बार का किया या पूरे दिन का कर दिया, जैसा भी अपना अपना नियम, और उसके बाद तुम यदि जो कार्य करते हो वो आरंभ का कार्य है, घर का काम कर लिया, घर की थोड़ी सफाई कर ली, हमारा बहुत सारा जो काम बचा हुआ था ऑफिस का, क्योंकि आज फ्री हो गए ना, ना किचन में जाना है ना भोजन में कुछ करना है, तो एक्स्ट्रा जो 2-3 घंटे खराब होते बनाने में और खाने में वो बच गए, तो यदि हम इन आरंभ के कार्यों में लगते हैं तो हमारा वह व्रत वह आरंभ जन्य होने से वो धर्म का तो कारण नहीं बनता, वो आर्त ध्यान होके पाप आश्रव का कारण बन जाता है। क्या हमने तो सोचा था साल भर हम थोड़ा पाप करते हैं तो 10 दिनों में थोड़ा धर्म कर लेंगे, तो हमने 10 दिनों में एक बार खाया, दो बार खाया, 3 बार का नियम लिया, क्या सोचा इससे बहुत अच्छा होगा, थोड़ा तो पुण्य संचय होगा, थोड़े तो पापों की निर्जरा होगी, पर भैया इसका क्या स्वरूप है, ये व्रतों का कैसे पालन होता है, ये व्रत किसके होते हैं, कि अरे जिसने अपने को आत्मा रूप देखकर संसार से निवृत्ति ली है उस दिन के लिए, तो कम से कम कि जो उस दिन भी आरंभ के ही काम करता है, ना स्वाध्याय करता है, ना भगवान की भक्ति में बैठता है, ना कुछ तत्व विचार करता है, उसके तो भूखा रहना हुआ ना, तो भूखा रहना हुआ तो उससे संक्लेश हुआ, संक्लेश ये आर्त ध्यान है, आर्त ध्यान ये त्रियंच गति के आश्रव का कारण है, असाता का इससे बंद होता है और रहा बचा कुचा पुण्य भी पाप रूप संक्रमित हो जाता है, वे घाटे का सौदा हुआ। तो शील व्रतेश व्रतिचार जो भावना है ये क्या बोलती है कि यदि हमने कोई छोटी सी भी प्रतिज्ञा ली है हम उसे मन से वचन से और काया से पूरा करें, अकेली काया से पूरा करने से बात नहीं बनेगी। सेठ था, चतुर्दशी का बहुत अच्छा दिन था, उस सेठ ने बोला आज तो हम सामायिक करेंगे, कैसी सामायिक करेंगे कि नियम लेकर सामायिक करेंगे कि इस दीपक में तेल भरेंगे पूरा, उसमें बाती लगाएंगे, दीपक को जलाएंगे, अब जब तक ये तेल खत्म नहीं होता ना तब तक हम सामायिक करेंगे, पंच परमेष्ठी का नाम लेंगे, अरिहंत सिद्धि जाप करेंगे। क्या उसने नियम लिया, क्या ये उसने नियम लिया कि नहीं, कि ले लिया और जाप करने बैठ गया। अब उसकी जो पत्नी थी वो बड़ी पतिव्रता, बहुत अच्छी, उसने देखा कि अरे आज तो पति देव का मन धर्म ध्यान में बहुत लगा है, चलो इनके धर्म ध्यान में अंतराय नहीं हो, तो वो भी बाजू में बैठ गई और जैसे ही दीपक का तेल खत्म हो वो वापस भर दे, दीपक बुझने ही ना पाए। और यहाँ पर इसका क्या नियम है, इसने क्या व्रत लिया है कि जब तक तेल नहीं खत्म होगा दीपक नहीं बुझेगा तब तक मैं ये अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठियों का नमस्कार मंत्र पढ़ता रहूंगा। अब बताइए उसको सामायिक करते करते गला सूखने लगा, उसके आयु कर्म अंत होने के करीब था, जैसी भैया भवितव्यता होती है काम बनता जाता है, निमित्त बनते जाते हैं, उसकी पत्नी ही स्वयं
जो अच्छी भावनाओं से, कुटिल भावना से नहीं, वो तो उसके धर्म भाव में अनुमोदना करती है, तो क्वचित कदाचित पुण्य भी बांधती हो, लेकिन इसके जिसके धर्म ध्यान चलना चाहिए, इसको नाम तो वचन और काया से तो अरिहंत सिद्ध आचार्य का नाम लेता है, लेकिन मन में गला सूखता है, प्यास लगती है तो पानी 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 पानी, और ऐसे प्यास से मर जाता है। देखो कितना प्रशंसनीय है वो सेठ, मर गया लेकिन अपना नियम नहीं छोड़ा ना उसने, नहीं तो क्या कर सकता था, जानकर बोल सकता था भैया चलो हो गया हमें पानी ला कर दो, बाद में प्रायश्चित ले लेता, कर सकता था ना वो ऐसा, बताइए आप, ये तो कर सकता था वो, लेकिन उसने नहीं किया, उसने मरण के सामने भी अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया, किया कि नहीं किया, तो उसको इस प्रतिज्ञा का अच्छा फल मिलना चाहिए कि बुरा, हाँ उसको इस प्रतिज्ञा का फल तो अच्छा करे मिलना तो चाहिए, अच्छा फल मिलना चाहिए वैसे, लेकिन उसके पीछे अभिप्राय क्या है, शील व्रतेश वनती चार भावना नहीं हुई, उसने मन से अपने कार्य को नहीं किया, तो पता क्या हुआ, वो मरा और मरण के अनंतर समय अपने ही घर के सामने एक कुआं था बावड़ी, उसमें मेंढक बना, अरे सामायिक करने वाला जीव मेंढक बन गया, इतना सुंदर अपना मरण तक नियम को पालने वाला जीव मेंढक बन गया, ये तो घोर अन्याय है, कि अरे भैया ऐसा नहीं होता, थोड़ा समझो तो, बात क्या है मुद्दे की, मुद्दे की बात ये है कि जैन धर्म भावनाओं का विज्ञान है, शारीरिक क्रिया से कुछ नहीं होता, जैसा परिणाम किया जाए वैसा फल होता है, उसने परिणाम अर्थ का ध्यान का किया, संक्लेश किया, सुत्रियंश बन गया, ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि जीव है वो समझता है ये देह की क्रिया, इसका नाम व्रत नहीं है, इसका नाम शील नहीं है, अपने परिणामों में नेह कषायता आना, अपने परिणामों में मन से वचन से काया से जो प्रतिज्ञा ली है उसको प्रसन्नता से पूरा करना, क्लेश से नहीं, दुख से नहीं, कि अरे क्यों ले लिया नियम, होता है ना 10 दिनों के आखिरी आखिरी तक आते आते हम कितना थक जाते हैं, पूरे तो हुए 10 धर्म, आप लोगों के साथ ऐसा होता कि नहीं होता, 10 दिनों तक बहुत हो गया ना, अब 11वां दिन कब आएगा जब एकदम वापस वैसी पूरा सजा हुआ डाइनिंग टेबल होगा, फिर कितनी हरी खानी है, कितना भोजन करना है, घर में खाना है कि बाजार में खाना है, फिर कोई भेद नहीं बचता, तो हमको क्या धीरे धीरे ये कष्टप्रद लगने लगता है ना बंधन, ये भैया अपना बहुत बड़ा पैरी है ऐसा परिणाम, ऐसा परिणाम करना नहीं, ये धर्म आनंद रूप है, इनको कष्ट रूप देखना ये तो आत्महत्या है, ये हमें दुर्गति में ले जाएगा, तो फिर क्या करें, कि बहुत सुंदर आचार्य कुंद कुंदेव ने गाथा दी, आप सबको वो पता होगा, जम सकई तम की रही, जो शक्य हो वह करें, और अशक्य की श्रद्धा धरें, श्रद्धा नहीं सम्यक्त्व है, वृषभादि सब जिन वर कहें, कि अरे किसने बोला कि तुम बड़े बड़े नियम लो, किसी ने तुम्हारे सर पर तलवार रखी है क्या कि तुम एक आसन नहीं करोगे इन 10 दिनों में तो तुम्हें गोली से उड़ा दिया जाएगा, कि तुम नरक ही जाओगे, कि अरे व्रतों को सबको एक सा ही करना पड़े ये कोई शर्त थोड़ी है, अपनी शक्ति का विचार करो कि हमें कितने कार्य करने पर, कितनी निवृत्ति पर हमारे परिणाम कलुषित नहीं होते, अपनी शक्ति का विचार करना, और हाँ एक बार यदि शक्ति का विचार हो गया तो अब थोड़ा ये तलवार के ऊपर चलने जैसा हो जाएगा, यदि मुझे पता है कि मैं शक्ति इतनी है कि मैं एक आसन कर सकता हूं, और यदि अब ना करूंगा तो अपराधी हूं, और यदि मुझे पता है कि मेरी शक्ति उपवास करने की नहीं है और मैं कर लूंगा तो भी मैं अपराधी हूं, दोनों में पाप बंध है, शक्ति से कम करना
ये भी शील व्रत का अतिचार है। जितनी शक्ति है उतना तो करो भैया, क्या उतना भी नहीं करेंगे तो जिसको अवसर प्राप्त हुआ है वो नहीं करेगा तो अभागा है। देवों को ही अवसर प्राप्त नहीं है, देव लोग जीवन में कोई नियम नहीं ले सकते, हम ले सकते हैं। हमारे ये वाली अपॉर्चुनिटी है, हम जीवन को जितना उज्जवल हो सके उतना उज्जवल बना सकते हैं, देव नहीं कर सकते। सो ये हमारा अधिकार है, जिसको अधिकार प्राप्त है वो उसकी कद्र नहीं करे तो पागल हुआ ना, वो तो मूर्ख हुआ, उसको पता ही नहीं है कि व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट ही हैज। हम अपने जीवन को और अपने भविष्य को, आने वाले जीवन को भी कितना सुंदर बना सकते हैं वर्तमान अपने परिणामों की विशुद्धि से, हमें अभी इसका अंदाजा नहीं है। एक छोटा सा कुत्ता श्वान भूखा था बेचारा, तो एक जगह यज्ञ चलता था, तो यज्ञ में बहुत सारे फल फूल व्यंजन रखे थे, तो बेचारा भूखा, तो जहां भोजन दिखे तो संज्ञा है ना ये आहार, हमको भूख लगे तो हम कहां रुक पाते हैं। फिर चला गया यज्ञशाला में और थोड़ा सा झूठा कर लिया, वहां सब देखा पंडितों ने, यज्ञ कराने वालों ने, तो उसको पकड़ा और इतना पीटा कि मरणासन्न हो गया वो, कि बस अब मरी जाए, और सड़क पर फेंक दिया। उसी रास्ते से जीवंदर कुमार गुजरते थे, जीवंदर कुमार जिनके ऊपर छत्र चूड़ामणि ग्रंथ लिखा गया, हाँ, उन्होंने देखा, ओहो, उन्हें इतनी करुणा आई, बताओ ये जीव जब अपराध करता है तब तो सोचता नहीं, जब कर्म का फल आता है तो देखो कैसी दयनीय दशा इसकी होती है, बेचारा क्या तो हीन अवस्था में पड़ा, उसमें भी भूख से परेशान, सो अपनी भूख को मिटाने गया, सो देखो कर्म का क्रूर प्रचंड उदय, कि अब बताओ इसको जीवित रहने भी लोगों ने छोड़ा नहीं। सो बहुत करुणा से उन्होंने उस श्वान को अपनी गोदी में रखा। देखो भैया ज्ञानियों का वात्सल्य, हम तो कितना अनहाइजीनिक है, हमें कुछ इससे हो नहीं जाए, हम तो बहुत दूर से भागेंगे ऐसे किसी जीव से। ज्ञानियों के जीवन में ही इतनी करुणा होती भैया, जो अपने को आत्मा रूप देखते ना वही दूसरे को आत्मा रूप देख पाते हैं। बाकी सब तो अरे इसका शरीर कैसा सड़ रहा है, इसमें से कैसी बास आ रही है, अरे गंदा होगा, कितने जर्म्स होंगे इसमें, फिर सैनिटाइज करो अपने आप को। ये तो हमारी प्रचंड अज्ञानता है, हम जानते क्या है जगत का स्वरूप, हमें पता है हम कैसी कैसी दुर्गंधित जगहों पर पैदा हुए, हम कहां कहां रहे, हमें इसकी कोई कल्पना भी है। स्वामी कार्तिकेय देव ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में गाथा लिखी संसार के स्वरूप में, उन्होंने क्या बताया कि अहो ऐसे संसार के स्वरूप को धिक्कार हो कि जहां पर एक राजा मरकर भी अपनी ही नाली में कीड़ा बनता है, पहले तो ऐठा कर घूमता था कि हम राजा हैं, अब वो कीड़ा बन जाता है। मूल गाथा है, हे प्राणियों तुम मोह के महात्म्य को देखो, पाप कर्म के वश से राजा भी मरकर विष्ठा का कीड़ा हो जाता है, और फिर वहीं विष्ठा में रति करता है और उसे अपना घर भोजन मानता है। हम दूसरे प्राणियों को देखकर बड़ा हाइजीन हाइजीन चिल्लाते हैं, हम थोड़ा अपने आप को कितना बड़ा देखते हैं कि हम तो भैया बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, हमने बहुत सारा मैनरिज्म सीखा है, हम चले तो भी एक लहजा होना चाहिए ना, हमारा कैरेक्टर थोड़ा हमें कैरी करना चाहिए ना, कि भैया आत्मा को नहीं जाना तो काहे का लहजा, मरण होगा और कहां पैदा होंगे पता भी ना पड़ेगा। जीवंदर कुमार ने उस श्वान को अपनी गोदी में लिया और उसे नमोकार मंत्र सुनाया, अब आप देखना उस कुत्ते के कोई व्रत तो नहीं है, उस श्वान के जीवन में कोई शील तो नहीं है, लेकिन उसने अपने परिणामों को विशुद्ध किया। नमस्कार मंत्र से समझ नहीं आता, लेकिन कोई इतनी प्रीति से प्रेम से आत्मा को जानने वाला, समता को भाने वाला महाभाग्य से पुरुष मिला,
सो उसके वचनों में ही इतनी शीतलता है, उसे सुनकर वो श्वान शांत परिणाम को प्राप्त हुआ। सो शांत परिणाम को प्राप्त होके देव बना। क्या जीवन भर कुछ नहीं किया उस श्वान ने? अरे मांसाहारी होता है कुत्ता, लेकिन तब भी जीवन के आखिरी में बस थोड़ी सी अच्छी भावनाओं से वो देव बन गया। तो हमें तो जीवन भर का अवसर प्राप्त है, हम तो पूरे जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो क्या हमें बुद्धिपूर्वक प्रयत्न नहीं करना चाहिए कि हम जो कुछ भी करें अपने जीवन में अच्छा व्रत, वो ना सिर्फ काया से, ना सिर्फ वचन से, अपितु मन से भी उसे किया करें। जो बातें मन की मालिन्यता को देंगी, हमारे लिए वो बहुत अहितकारी बन जाएंगी। ठीक है, इसलिए जो कुछ भी, हमारी भावनाओं का महत्व बहुत है। आचार्य कुनकुन देव का एक ग्रंथ है अष्टबाहुर, उस पर वे बहुत सुंदर शील के महात्म्य को बताते हैं। वे क्या बोलते हैं, ये शील कैसा है? शील सुंदर है ना, तो ये शील सुंदर कैसा है? शील पाहुड़ ग्रंथ अष्टपाहुड़ में उसकी दूसरी गाथा है। एक बार हम ये गाथा पढ़ते हैं। शीलस्य नाणस्य रद्धि विरोहो बुदेहिने दिट्ठो रवरिय शीलेन विना विषयाणाणं विना संति। जीवन में व्रतों की उपयोगिता क्या है कि जैसे हमने देखा ना, शील का नाम शील्ड है, शील बचाने के लिए है, वो एक बाड़ है, हमारे लिए सिक्योरिटी है। तो ऐसा क्या है जिसकी सिक्योरिटी की जा रही है? कोई तो चीज होगी ना जो बहुत प्रेशियस है, जिसको बचाया जाए कि हाँ ये शील शील के लिए नहीं है, ये व्रत व्रतों के लिए नहीं है, ये हमारी आत्मिक लक्ष्मी जो ज्ञान संपदा है, जो ज्ञान है, उसे बचाने के लिए शील की सिक्योरिटी को हायर किया गया है। फिर सिद्ध भगवान इस चरित्र को छोड़ देंगे? सिद्ध भगवान फिर समिति से नहीं चलेंगे? सिद्ध भगवान एक बार खड़े होकर आहार नहीं लेंगे? सिद्ध भगवान के कौन से महाव्रत होंगे? सिद्ध भगवान के कौन सी समिति गुप्ती होगी कि उनके अब सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं, वो तो कंप्लीटली खुद ही सिक्योर्ड हो गए? तो अब उनके ये शील उपचरित कहे जाते हैं, उनके होते नहीं है अब। ठीक है, तो ये शील को हम हायर करते हैं। कब करते हैं सिक्योरिटी को? जब हम इस शरीर के साथ इस पराधीनता में पड़े हैं। एक बार शरीर छूटा तो फिर सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए, फिर इस ज्ञान रूपी संपदा को हरने वाला कोई नहीं है। देखिए आचार्य कुनकुन देव क्या बोलते हैं, शील के और ज्ञान के ज्ञानियों ने विरोध नहीं कहा। शीलस्य नृत्ति विरोहो बुद्धिहीन दिट्ठो, बुद्धि पुरुषों ने, आत्मज्ञों ने ज्ञान और शील को सिनोनिमस रखा। जो ज्ञान है वही शील है, जो शील है वही ज्ञान है। फिर अब उसका वो रिलेशनशिप बनाते हैं। रवरीय शीलेन विना, अरे यदि शील नहीं होना, ये सिक्योरिटी व्रतों की, अच्छी अच्छी आदतों की, अच्छे अच्छे नियमों की सिक्योरिटी को नहीं धारण किया जाए ना, तो पता है क्या होगा कि जहां शील हो वहां ज्ञान ना हो, और जहां ज्ञान हो वहां शील ना हो, ऐसा तो इन दोनों का साथ है, इन दोनों में कोई विरोध नहीं है। यहाँ पर विशेष क्या है कि शील के बिना विषय अर्थात इंद्रियों के विषय हैं, ये ज्ञान को नष्ट कर देते हैं, यानी आत्मा को मिथ्यात्व राग द्वेष अज्ञान रूप कर देते हैं। सो हम कैसे अपने आत्मा को इतना सुंदर पवित्र निर्मल निःकषाय रख पाए? ऐसा जो एक उद्यम है वो इस शील की भावना के द्वारा किया जाता है। शील सदा दृढ़ जो नर पाले, जो नर अपने जीवन में अपनी शक्ति के हिसाब से दृढ़ पूरे वचन से, काया से और मन से शील को पालता है, वो अपने आप को तो कल्याण करता ही है, दूसरों की विपत्ति का भी कारण नहीं बनता, दूसरों की भी आपदा को हर लेता है।
इसलिए शील का महात्म्य बहुत है। अपने पास 2 या 3 मिनट बाकी हैं, जस्ट एक आपसे थॉट, एक आपसे थोड़ा विचार करें, हम थोड़ी इस पर विचारणा करें। एक कार जा रही है और कार से एक्सीडेंट हो गया और सामने जो व्यक्ति आया कार के, वो हर्ट हो गया, उसके फ्रैक्चर हुआ, वो एडमिट है हॉस्पिटल में, ठीक है। तो अब ये क्राइम हुआ ना, एक्सीडेंट हुआ तो क्राइम हुआ, तो अब बताइए एक्सीडेंट जो 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 आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, जिसको लग गई है, वो किस पर केस फाइल करेगा, इफ एट ऑल इट इज रिक्वायर्ड? कार पर के ड्राइवर पर? किस पर केस फाइल होगा? कार को पुलिस लेकर जाएगी या ड्राइवर को लेकर जाएगी? ड्राइवर ने तो छुआ भी नहीं, जिसने मारा उसको वो तो कार है, इसमें ड्राइवर की क्या गलती है? जो मारने वाली है वो तो कार है। ड्राइवर की असावधानी थी, ड्राइवर का परिणाम तो पता नहीं, गलती किससे हुई? गलती किससे हुई, कार से कि ड्राइवर से? ड्राइवर से। कार तो निर्दोष है, कार क्या करे? ऐसे ही ये जो शरीर से किया जाता है ना, ये शरीर तो कार है, कार अंदर एक ड्राइवर बैठा है, उससे अपराध है। शरीर को पाप नहीं पड़ता, इसलिए शरीर यहीं छूट जाता है, नरक नहीं जाता। शरीर कहीं, सारे पाप किसके द्वारा होते हैं कि एक्सीडेंट कार से हुआ, लेकिन कार को किसी ने पकड़ा ही नहीं, कार की कोई रिपोर्टिंग हुई ही नहीं, कार के ऊपर कोई चार्ज क्रिएट हुआ ही नहीं। इसलिए वचन और काया से, इनसे नहीं होते व्रत और शील, व्रत और शील परिणामों से होते हैं, क्योंकि परिणामों से ही अपराध बनता है, लोक में भी और अलोक में भी, लोकोत्तर मार्ग में भी। पूरा धर्म परिणामों का धर्म है। सो हम ये वाली बात को पक्का करें कि हमारे परिणामों की विशुद्धि सर्वोपरि हो। हमारे परिणाम, हम ज्यादा व्रतों को नहीं ले पाते कोई बात नहीं, लेकिन जितनी ताकत है उतना तो करें। तो कितनी ताकत का कैसे निर्धारण होगा? जितना हम प्रेम से, आनंद से, भगवान की भक्ति करते हुए, स्वाध्याय करते हुए जितना हम ले पाए उतना करना, वो हमें करना ही चाहिए। उससे ही हमारे जीवन का सौंदर्य है, यही हमारे जीवन की ज्वेलरी, इसका आभूषण है। व्रतों से ही जीवन में सुंदरता आती है। हम सभी के ऐसे सुंदर सुंदर व्रतों से जीवन का सौंदर्य पल्लवित हो, इसी मंगल भावना से अभी हम जन्मानी स्तुति करते हैं। साची तो गंगा यह वीत राग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जा मैं अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहां नहीं संशय आदि पंक की निशानी। साची तो गंगा यह वीत राग वाणी, सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगाय वीत राग वाणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी। भाग चंद ने चय घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा यह वीत राग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। कुल अंतर्मुख मुद्रा वन सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। जय हो।
द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो। समस्त वितरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो, जय हो। अनुकांत में जैन शासन की जय हो, जय हो। जय कीर्तंकर वर्धमान स्वामी की जय हो, जय हो। सत्य धर्म की जय हो, जय हो। जय हो। महापर्व की जय हो, जय हो। जय हो।